हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रेजी फिजिक्स। टुडेज लेक्चर इज कम्प्लीटली बेस्ड ऑन DSSB प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर विच आर कंडक्टेड इन 2015। एक्चुअली ये पेपर है टायर टू है, वो 2015 में कंडक्ट करवाया गया था, लेकिन ये 2014 में होना था। तो उसी के आई थिंक नियर अबाउट हम 60 क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस है वो अपलोड कर चुके हैं। कोशिश करूँगी आज जो है इन 60 क्वेश्चंस में हमने मैथमेटिकल फिजिक्स, क्लासिकल फिजिक्स और EMT को कम्प्लीटली कवर अप कर लिया है। तो आज हम क्वांटम से स्टार्ट करेंगे। जो आवर जो 61 क्वेश्चन है, जो एक्चुअली जो इस पेपर में वो नियर अबाउट 200 के क्वेश्चन आए हुए थे, जो कि ईच पार्ट से 20-20 क्वेश्चन थे। तो जो 20 क्वेश्चन है जो मैं आज स्टार्ट करूँगी वो क्वांटम मैकेनिक्स के हैं, एंड कोशिश करूँगी आज इन 20 क्वेश्चंस को 5-5 सॉल्यूशंस में, मींस 5 क्वेश्चंस की लेक्चर्स की एक एक वीडियो बना के कंप्लीट इस पार्ट को कंप्लीट करवाने की, राइट। तो कंटिन्यू करते हैं। अवर 61 क्वेश्चन है, जो 61 क्वेश्चन है देखो मैं बता देती हूँ, समझा भी दूँगी स्टेटमेंट, और जो है पेपर के जो लिंक है वो टायर टू का है या फिर जो DSSB फीमेल का, वो दोनों के दोनों जो मैंने जो पेपर है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिए हैं। और जिस जो बच्चा जो टेलीग्राम ग्रुप में नहीं है तो वो टेलीग्राम ग्रुप में भी मैंने डाल रखे हैं, जिसको टेलीग्राम ग्रुप में देखना वो टेलीग्राम ग्रुप में देख सकता, और जिसको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हैं इन पेपर का लिंक है, ठीक है। तो कंटिन्यू करते हैं। अवर 61 क्वेश्चन ये क्वांटम क्वेश्चंस के हैं, क्वांटम मैकेनिक्स के, सॉरी। देखो क्वेश्चन नंबर 61 क्या है, 61 क्वेश्चन में क्या है, फॉर ए पार्टिकल, एक पार्टिकल गिवन है, किसमें, इन वन डायमेंशनल बॉक्स में, किसमें गिवन है, एक वन डायमेंशनल बॉक्स है। द वेव फंक्शन इज गिवन बाय, वेव फंक्शन है वो कैसा है, ऐसा है, देखो वेव फंक्शन है हमारे पास साई एक्स विच इज इक्वल टू ए साइन 3πx अपॉन में एल, यही है 3πx अपॉन में एल। कहाँ से कहाँ तक है ये, 0x L, एंड 0 है मेरे पास कहाँ से, x लेस देन 0 एंड ग्रेटर देन L। देखो मैंने इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल अच्छे से समझा रखा जस्ट की जो मैंने जो सीरीज स्टार्ट की थी, अगर कि जिसने भी देखी है वहाँ पे मैंने सिमेट्रिक पोटेंशियल, एसिमेट्रिक पोटेंशियल, डिराक पोटेंशियल, फाइनाइट वेल पोटेंशियल, बिल्कुल चारों के चारों ये टाइप के जो पोटेंशियल बिल्कुल अच्छे से क्लियर कर रखा, कैसे हम वेव फंक्शंस को ट्रेस करते हैं, कैसे इसके कोरस्पॉन्डिंग है, मीन्स एनर्जी कैसे निकालते हैं, वेव फंक्शंस को कैसे ट्रेस करते हैं, पोटेंशियल को कैसे ट्रेस करते हैं, एक्सपेक्टेशंस वैल्यू ऑफ पोजिशंस, मोमेंटम, ऑल दैट बहुत अच्छे से बता रखा, अनसर्टेनिटी इन पोजिशंस, मोमेंटम, सब कुछ क्लियर है। लेकिन नहीं देखिए, देखो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे बताती हूँ कैसे लिखते हैं हम, मैं जो बताऊँगी, देखो प्रोसीजर से भी क्वेश्चंस होते हैं लेकिन ट्रिक से भी होते हैं। तो आप हमेशा याद रखो, जिस क्वेश्चंस में अगर ट्रिक अप्लाई होती है तो वहाँ पे ट्रिक अप्लाई करने की कोशिश करो, ठीक है। प्रोसीजर से भी आना चाहिए क्वेश्चन, लेकिन अगर ट्रिक अगर आपको आती है तो आप बेस्ट रहेगा ट्रिक का यूज करो। देखो क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पे जो इसने पूछा है ना, ये पूछा इसने नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट ए पूछा, नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट क्या, ये वाला जो इसके जो आगे लिखा हुआ है ये, इसकी वैल्यू पूछी है इसने, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये हमारा किस टाइप का जो पोटेंशियल वैल है बताओ, एसिमेट्रिक वैल का पोटेंशियल वैल, कैसे, मीन्स जीरो के एक साइड जो है मेरे पास है कुछ इस टाइप का है, जीरो से एल तक है यहाँ पे, और एक्स लेस देन जीरो मीन्स यहाँ पे इसको मैं एक्स एक्सिस और यहाँ पे मैं पोटेंशियल को ट्रेस करती हूँ या वेव फंक्शंस। तो एक्स लेस देन जीरो एंड एक्स ग्रेटर देन जीरो इस साइड है, क्या है मेरे पास वेव फंक्शंस, जीरो है, एंड जो मेरे पास इन बिटवीन क्या किस टाइप का वेव फंक्शंस है, ये है। अब आप यहाँ पे देखो नॉर्मलाइजेशन कॉन्स्टेंट अगर मैं प्रोसीजर से फाइंड आउट करूँगी तो कैसे फाइंड आउट करूँगी, देखो इंटीग्रेशन करते हैं कहाँ से कहाँ तक जो उसने लिमिट गिवन दी है, अगर वो मेंशन करता है तो आपको वो लेनी है इंटीग्रेशंस में, अगर वो मेंशन नहीं करता देन आपको क्या लेनी है, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, राइट। अब यहाँ पे क्या है, जीरो टू एल, क्या है ये, वेव फंक्शंस लो एंड इट्स कॉन्जुगेट, इन दोनों के प्रोडक्ट करो और आप इसको किसके इक्वल पुट करोगे, वन के,
ठीक है। जब यहाँ पे, अब यहाँ पे देखो, अगर इसको कॉन्जुगेट करोगे तो आप ये एज इट इज आएगी, और आपको जस्ट इंटीग्रेशन सोल्व करना है तो आपके पास यहाँ से ए की वैल्यू इजिली फाइंड आउट कर लोगे। लेकिन यहाँ पे मैं ट्रिक से कैसे फाइंड आउट करते हैं, नॉर्मलाइजेशन कॉन्स्टेंट, ये देखो ए विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ टू अपॉन में विड्थ, ये हम ट्रिक से फाइंड आउट करते हैं। अगर आप इसका यूज करोगे तो आप विद इन फ्यू सेकेंड में इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लोगे। अब यहाँ पे विड्थ क्या है, 0 to L। अब विड्थ कैसे निकालते हैं, जो भी यहाँ पे है उसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, तो यहाँ से जो विड्थ आ जाएगी, कैसे निकालते हैं, L माइनस का 0 विच इज इक्वल टू L, ये हमारे पास क्या आ गई विड्थ। तो यहाँ पे आप है पुट कर दो तो मेरे पास कितना आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ 2 अपॉन में L, विच इज अवर राइट आंसर। ठीक है, अगर आप ट्रिक का हेल्प करोगे तो विद इन फ्यू सेकेंड में, नहीं तो आप अगर यहाँ पे इंटीग्रेशन करोगे तो साइन स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा, फिर आप उसको ओपन करो और फिर यहाँ पे आप इंटीग्रेशन करो। ठीक है, ये तो थे इस टाइप के क्वेश्चन, जब हमारे पास पोटेंशियल कैसा गिवन हो, मीन्स वेव फंक्शंस कुछ ऐसा गिवन हो, या फिर हम पोटेंशियल है वो कहाँ से कहाँ, 0 to L। अब देखो इससे रिलेटेड है फ्यूचर्स में कैसे क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि क्वेश्चन है सॉरी जो एग्जाम है आफ्टर कुछ डेज बाद ही अटेम्प्ट करने वाले हो। देखो कैसे, अगर ऐसे आ जाता, फ्यूचर्स के लिए बता रही हूँ, देखो अगर मेरे पास कैसे आ जाता, एक्स है वो कैसे होता एल टू माइनस एल, राइट। अब यहाँ पे देखो हम कैसे सोल्व करेंगे इसको क्वेश्चन को, अगर मेरे पास ऐसे हैं, मीन्स इसको मैं इरेज करके बताती हूँ, ध्यान से देखो, अगर मेरे पास पोटेंशियल है वो कैसा है, लाइक दैट कुछ ऐसा है, जीरो इनफाइनाइट कहाँ से कहाँ तक है, ये है मेरे पास L, एंड यहाँ पे इनफाइनाइट है वो कहाँ से कहाँ, x लेस देन 0 एंड x ग्रेटर देन 0, और वी कैन से दैट यहाँ पे ऐसे भी आ सकता है अदरवाइज। ठीक है, तो इस पोटेंशियल को ट्रेस करो, अगर मैंने इस पोटेंशियल को ट्रेस किया तो मेरे पास है समथिंग कुछ ऐसा है, ट्रेस करो 0 to L, यहाँ पे क्या है मेरे पास पोटेंशियल है ये, और इधर क्या है इनफाइनाइट। तो हमेशा अगर वो क्या पूछ लेता, अब पूछा था उसने नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट पूछा था, अगर वो नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट ना पूछ के क्या पूछ लेता, वेव फंक्शंस पूछ लेता, तो कैसे निकालते उस वेव फंक्शंस के कोरस्पोंडिंग एनर्जी पूछता, तो एनर्जी हम कैसे निकालते, या फिर एक्सपेक्टेशंस वैल्यू पोजिशंस पूछता, या मोमेंटम पूछता, कैसे निकालता। देखो मैं कुछ थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात बताती हूँ कैसे, जब भी ऐसा हो इस टाइप के पोटेंशियल्स को क्या बोलते हैं, ए सिमेट्रिक टाइप ऑफ पोटेंशियल, क्या बोलते हैं, ए सिमेट्रिक टाइप ऑफ पोटेंशियल, मीन्स 0 के 1 साइड है, ये 0 के 1 साइड है ना, 0 से इस साइड नहीं है, 0 के 1 ही साइड है, तो इस पोटेंशियल्स को क्या बोलेंगे, ए सिमेट्रिक टाइप ऑफ पोटेंशियल। तो इसमें जो हमारे पास है जो वेव फंक्शन होता है, जब भी इस टाइप का पोटेंशियल हो तो वहां पे क्या आता है, वेव फंक्शन है कैसा आता है मेरे पास, यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन कॉन्स्टेंट लिखते हैं, साइन एन पाई एक्स अपॉन में विड्थ, यहाँ पे क्या लिखते हैं हम, विड्थ लिखते हैं। ठीक है, जो कि मैंने अभी बताई थी, यहाँ इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना, इसके कोरस्पोंडिंग अब यहाँ पे एन क्या होते हैं, कोई भी इंटीजर्स वैल्यू, और ऑलवेज रिमेंबर दैट एसिमेट्रिक टाइप ऑफ पोटेंशियल हो, चाहे वो आप सिमेट्रिक टाइप ऑफ पोटेंशियल हो, मीन्स बॉक्स का कोई भी केस हो, एन की वैल्यू होगी वो कहाँ से स्टार्ट होगी, 1, 2, 3 up to 4 एंड अप टू सोन ऑफ, यहाँ पे एन की वैल्यू है वो 0 नहीं लेते, क्योंकि अगर हम एन की वैल्यू 0 लेते वो हिल्बर्ट स्पेस का एलिमेंट तो होता है, लेकिन वो अगर मैं एन की वैल्यू 0 लूंगी तो वो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को क्या करता है, वोयलेट करता है, राइट। तो इसलिए हम यहाँ पे n की वैल्यू 0 नहीं लेते, लेकिन जब हम हार्मोनिक ऑसिलेटर का केस डिस्कस करते हैं तब वहाँ पे हम n की वैल्यू 0 लेते हैं, 0 से स्टार्ट करते हैं, राइट। तो यहाँ पे हम n की वैल्यू कोरस्पोंडिंग निकालेंगे, जो भी अगर कहेगा ये 1 है फॉर ग्राउंड स्टेट, 2 है फॉर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, 3 वैल्यू लेंगे वो किसके लेंगे, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, राइट। अगर यहाँ पे क्या पूछ लेता है, नॉर्मलाइजेशन, मैं जनरल बता रही हूँ, नॉर्मलाइजेशन कॉन्स्टेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे, अंडर रूट ऑफ 2 अपॉन में विड्थ, कुछ भी दे दे, यहाँ पे 0 to L दिया, अगर वो दे दे 0 to 2L, 0 से L/2, 0 से 3L, कुछ भी दे दे, ठीक है, कंपल्सरी, मतलब ये जरूरी नहीं है कि वो इसी टाइप का दें, विड्थ कुछ भी चेंज कर सकता है और आपसे कुछ भी पूछ सकता है।
नॉर्मलाइजेशन कॉन्स्टेंट फाइंड आउट करना है, वेव फंक्शन होगा इस टाइप का होगा। एनर्जी कैसे लिखते हैं इसमें, एन स्केयर पाई स्केयर एच कट स्केयर अपॉन में 2m विड्थ का स्केयर। यहां पे भी क्या आएगा, विड्थ का स्केयर आएगा, समझ गए, हमने ऐसे करना। अब यहां पे अगर वो पूछ लेता है क्या एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पोजिशन, पोजिशन है उसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, या तो कोई भी पोटेंशियल गिवन हो उस पोटेंशियल को आपको ट्रेस करना आना चाहिए कंपलसरी, या फिर आपको वेव फंक्शन ट्रेस करना आना चाहिए कोई भी, या तो आप पोटेंशियल्स को ट्रेस करो या फिर वेव फंक्शंस को ट्रेस करो। और अब आप देखो तो वो किस पॉइंट के अबाउट सिमेट्री है। अब यहाँ पे देखो जीरो से एल है, तो यहाँ पे जीरो से एल इन बिटवीन ये जो पोटेंशियल जो मैंने ट्रेस किया ये किस पॉइंट के अबाउट सिमेट्री है, तो यहाँ पे देखो अगर मैं देखती हूँ L by 2 से जैसा पोटेंशियल इधर है वैसा ही सेम पोटेंशियल L by 2 से उधर है, तो हमने किस पॉइंट के अबाउट सिमेट्री आया L by 2, तो यहाँ पे जो मेरे पास एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पोजिशन आ गई वो किसके इक्वल आ गई, L by 2, राइट। अगर वो पूछ लेता अब अनसर्टेनिटी इन पोजिशन, अनसर्टेनिटी इन पोजिशन कैसे निकालते हैं, यहाँ पे देखो ऐसे निकालते हैं अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस का एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स। अब यहाँ पे तो मेरे पास क्या आ गई, जीरो आ गई। अब आपको इसको फाइंड आउट करना, अब जब भी इसको फाइंड आउट करोगे जो भी पूछता है वो एक्सपेक्टेशन, मैं जस्ट आपको लिखने का वे बता रही, जस्ट आपको फिर आफ्टर दैट इंटीग्रेशन करना। अगर वो ये अब आपको ये कैलकुलेट करना, तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो भी यहाँ पे जिसकी भी पूछता है किसके पूछी एक्स स्क्वायर की लिमिट, वो खुद बताएगा कहाँ से कहाँ तक लेना, नहीं बताया तो आपको लेनी है। कॉन्जुगेट करना, जो भी यहाँ पे है एक्स स्क्वायर लिखो साई इंटू डी एक्स, और इसको क्या करना है आपको इंटीग्रेट करना है, आपके पास है एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी और आपको यहाँ पे पुट करनी है, राइट। अब दूसरी बात, अगर वो क्या पूछ लेता है एक्सपेक्टेशन वैल्यू मोमेंटम, मोमेंटम कैसे निकालते हैं पोजिशन, ऑलवेज रिमेंबर दैट क्या जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू होगी मोमेंटम की वो जीरो होगी, किस केस में, फॉर ऑल रियल वेव फंक्शंस के केस में, किस केस में, फॉर ऑल रियल वेव फंक्शंस के केस में मेरे पास जो एक्सपेक्टेशंस वैल्यू आएगी मोमेंटम की वो ऑलवेज जीरो आएगी, ठीक है। तो ये क्या है हमारे पास जो साइन था रियल, तो यहाँ पे जो मेरे पास है जो एक्सपेक्टेशंस वैल्यू आएगी मोमेंटम की वो भी क्या आएगी, जीरो आएगी, ठीक है। अगर आप पी स्केयर निकालना है तो आप यहाँ पे पी स्केयर पुट करोगे, तो आप यहाँ से मेरे पास पी स्केयर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू आ जाएगी, और सेम एज दैट अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम में मेरे पास अगर क्वेश्चन आ जाता है कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, तो आप यहाँ पे डेल पी लिखोगे और यहाँ पे अंडर रूट ऑफ पी स्केयर इसकी एक्सपेक्टेशन माइनस पी की एक्सपेक्टेशन और इसका स्केयर, राइट। तो आपको ऐसे कैलकुलेट करना, लेकिन ये कब बताया है मैंने, जब किस टाइप का पोटेंशियल आ जाए, किस टाइप का वेव फंक्शंस आ जाए एसिमेट्रिक वेल का, राइट। लेकिन अगर मेरे पास है क्वेश्चन कैसे आ जाता है सिमेट्रिक वेल का, देखो मैं क्वेश्चंस भी बता रही हूँ लेकिन अब इतना टाइम नहीं है कि मैं कंप्लीट आपको सिलेबस कवर करवाऊँ, लेकिन जो भी टॉपिक आता है उस टॉपिक से रिलेटेड मैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने की आपको कोशिश करूंगी, ओके। तो अभी देखो ये किस टाइप का था, जब मैंने क्या कैसा लिया था पोटेंशियल एसिमेट्रिक टाइप का, मीन्स जीरो से एक ही साइड हो, लेकिन अगर मेरे पास है पोटेंशियल कैसा आ जाता है लाइक दैट कुछ ऐसे आ जा, मीन्स सिमेट्रिक वेल, सिमेट्रिक वेल मीन्स जीरो के बोथ साइड, मीन्स ऐसे हो, ये किस टाइप का पोटेंशियल है मेरे पास सिमेट्रिक वेल टाइप पोटेंशियल, हम कैसे ट्रेस करेंगे लाइक दैट कुछ ऐसे, ठीक है। अब यहां पे देखो
ये क्या है, जीरो के बोथ साइड है, तो ये किस टाइप का पोटेंशियल है मेरे पास है, सिमेट्रिक टाइप का पोटेंशियल वाला। जब भी इस टाइप का पोटेंशियल हो, अब एसिमेट्रिक टाइप में मैंने ग्राउंड स्टेट हो चाहे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट हो, कोई भी पूछे साइन की टर्म तो आएगी ही आएगी, सिर्फ चेंज किस में होगा, एन की वैल्यू में। मैंने अभी लिखा था लास्ट क्वेश्चंस में जो मैंने अभी बताया था, अभी रेज किया, लेकिन इसमें क्या लेंगे, जब भी ये पोटेंशियल आ जाए तो इसमें ऑलवेज ग्राउंड स्टेट होगा, वो ऑलवेज इवन लेते हैं, इवन मतलब कोस की, तो ग्राउंड स्टेट में ऑलवेज कोस आएगा, एंड जो मेरे पास है जो सॉरी हाँ और जो हमारे पास है जो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट आएगा उसमें हम क्या लिखेंगे, साइन के टर्म्स लिखेंगे। देखो कैसे, साइन एन एक्स कैसे लिखेंगे हम, नॉर्मलाइजेशन कॉन्स्टेंट कैसे लिखेंगे, रूट टू अपॉन में विड्थ, यहाँ पे लिखेंगे कोस एन पाई एक्स अपॉन में विड्थ, और यहाँ पे लिखेंगे मैं साइन एन पाई एक्स अपॉन में विड्थ। यहाँ पे जो एन की वैल्यू होगी वो कहाँ से कहाँ होगी मेरे पास, अब यहाँ पे देखो मैं जीरो नहीं लेती, जब भी बॉक्स का केस आता है चाहे वो सिमेट्रिक हो चाहे वो एसिमेट्रिक हो, हमेशा जो एन की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होती है, वन से स्टार्ट होती है। लेकिन यहाँ पे जो मैं ग्राउंड स्टेट के लिए जो कोस की वैल्यू होगी, ये इसमें जो एन की वैल्यू होगी वो मेरे पास कुछ डिफरेंट होगी, और साइंस की मेरे पास है कुछ डिफरेंट होगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो ग्राउंड स्टेट होगी वो क्या थी, इवन थी, तो यहाँ पे जो एन की वैल्यू आएगी वो 1, 3, 5 अप टू 100 आएगी, और यहाँ पे जो एन की वैल्यू होगी तो सॉरी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए वो क्या आएगी, 2, 4, 6, समझ गए। अब यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन कॉन्स्टेंट, अब विड्थ कैसे निकालते हैं, विड्थ देखो कैसे निकालेंगे, ए माइनस माइनस ए, तो यहाँ से कितना आ गया मेरे पास विड्थ 2a, कुछ भी दे सकता है आपको वो विड्थ, माइनस एल 2l, माइनस एल बाई 2 से एल बाई 2, या कुछ भी माइनस ए 2a, माइनस 2a से 2a, माइनस 3a से 3a, क्वेश्चंस को चेंज करने के बहुत सारे मेथड हैं, ठीक है। तो यहाँ पे चेंज कर दे, या फिर ये कैसे पूछ ले, सिमेट्रिक का केस देके पूछ ले, सिमेट्रिक का केस देके पूछ ले, कुछ भी पूछ ले। एनर्जी है, इसमें भी हम सेम ऐसे ही फाइंड आउट करेंगे, एनर्जी ई विच इज इक्वल टू एन स्केयर पाई स्केयर एच कट स्केयर अपॉन में 2m विड्थ का स्केयर। अब यहाँ पे विड्थ कितनी आई थी, 2a आई है, तो यहाँ पे जो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो मेरे पास एनर्जी आएगी वो कितनी आएगी, एन स्केयर पाई स्केयर एच कट स्केयर अपॉन में 2m एंड 2a का स्केयर, तो यहाँ पे कितना आ गया 4a का स्केयर, एंड 2 यहाँ पे, तो कितना आ गया मेरे पास 8m a स्केयर। तो यहाँ पे एनर्जी की वैल्यू मेरे पास ये आ गई, यहाँ पे भी जो मेरे पास एनर्जी में जो n की वैल्यू होगी वो कहाँ से स्टार्ट होगी, 1, 2, 3 अप टू 100। वो ये भी पूछ सकता है हम n की वैल्यू 0 क्यों नहीं लेते, क्योंकि वो है मेरे पास अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को वोलेट करता है, हिल्बर्ट स्पेस का एलिमेंट होते हैं लेकिन अगर मैं उसको लूँगी तो वो उसको फॉलो नहीं करेगा प्रिंसिपल को, कौन से अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को, क्वेश्चन आ सकता है। मैंने जो टायर वन का जो क्वेश्चंस पेपर देखा था जो कि 2014 में कंडक्ट करवाया था, बिल्कुल ही इजी पेपर था, ठीक है, कुछ भी नहीं है उस पेपर में, ठीक है। अगर आप टायर टू अच्छे से क्लियर कर लेते हो तो आपका टायर वन है इजिली अटेम्प्ट हो जाएगा। एक दो क्वेश्चन तो कुछ ऐसे ही था, नॉर्मलाइजेशन कॉन्स्टेंट कैसे फाइंड आउट करना है, ग्राउंड स्टेट एनर्जी कैसे निकालनी है, फॉर ए गिवन वेव फंक्शंस, वो गिवन वेव फंक्शंस है वहाँ पे मेंशन कर रखा है, ठीक है, तो कुछ भी नहीं है उसमें। अगर आप टायर टू अच्छे से कर लेते हो तो आप इजी से उसको सोल्व कर लोगे, राइट। तो यहाँ पे मेरे पास एनर्जी आ गई। अगर अभी इस केस में एक्सपेक्टेशंस वैल्यू ऑफ पोजीशंस की कैसे फाइंड आउट करोगे, अभी अभी मैंने बताया था, मैंने लास्ट में अभी जो मैंने इरेज किया था उसमें क्या बताया था, सबसे पहले आपको पोटेंशियल्स को ट्रेस करना आना चाहिए, आफ्टर दैट या तो पोटेंशियल्स को ट्रेस करो या फिर आप किसको ट्रेस करो, वेव फंक्शंस को। मैंने यहाँ पे पोटेंशियल्स को ट्रेस किया। अब सबसे पहले आप पोटेंशियल्स में देखो कि जो गिवन पोटेंशियल है वो किस पॉइंट के अबाउट सिमेट्री है। अब यहाँ पे देखो ये जो गिवन पोटेंशियल है ये किस पॉइंट के अबाउट सिमेट्री है, जीरो पॉइंट के अबाउट सिमेट्री है। मीन्स अगर मैं जीरो से यहाँ पे अगर एक लाइन को ड्रॉ करती हूँ तो जीरो से इस साइड जैसा पोटेंशियल है, सेम जीरो से उस साइड मीन्स राइट साइड वैसा ही सेम पोटेंशियल है। तो यहाँ पे किस पॉइंट के अबाउट सिमेट्री है, ये जीरो पॉइंट के अबाउट सिमेट्री है। सो इस केस में मेरे पास एक्सपेक्टेशंस वैल्यू होगी किसकी, पोजीशंस की, वो क्या आएगी मेरे पास, जीरो आ गई, ठीक है। अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे ना मेथड से
इतना बड़ा मेथड बन जाएगा प्रोसीजर से, और टाइम बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा, एंड सेकंड मिस्टेक होने के चांस ज़्यादा रहेंगे। इसलिए जो भी मैं पॉइंट बता रही हूँ, आप प्लीज़ ऑलवेज रिमेंबर दैट। कैसे हम शॉर्टकट में एक्सपेक्टेशंस वैल्यू है, पोजीशंस की कैसे फाइंड आउट करते हैं, मोमेंटम की कैसे फाइंड आउट करते हैं, नॉर्मलाइजेशंस कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, एनर्जी है वो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, ये वाला पोटेंशियल दे लेगा और पूछ लेगा क्या ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शंस बताऊं। तो ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शंस क्या होगा इस केस में, ये वाला कोस का, क्योंकि जब भी सिमेट्रिक आता है तो हम ग्राउंड स्टेट जो लेते हैं वेव फंक्शंस वो कैसा लेते हैं, इवन वेव फंक्शंस लेते हैं। और यहाँ पे हम क्या लेंगे, कोस लेंगे, कोस में लिया तो भी एन की वैल्यू 1 आई, राइट। अगर वो पूछ ले ग्राउंड का ना पूछ के फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट पूछ ले तो मेरे पास है ये आएगा, सेकंड एक्साइटेड स्टेट का ये वाला, थर्ड का ये वाला, फोर्थ का ये वाला, फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट का ये वाला, ठीक है। क्वेश्चन है, ऑप्शन सब 3-4 देता है, 4 ऑप्शन देता है, 2 या 3 ऑप्शन तो वैसे ही एलिमिनेट हो जाते हैं, ठीक है। तो आई थिंक ये आपके लिए काफ़ी है, इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा, 1 मार्क्स में क्वेश्चन आए तो इतना लेंथी नहीं देगा, राइट। तो क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62 क्वेश्चंस में क्या है, देखो अच्छे से, देखो अच्छे से, ध्यान से, विड्थ कैसे निकालते हैं, विड्थ पूछ लेगा, विड्थ ऐसे निकालते हैं किस पॉइंट के अबाउट सिमेट्री वो पूछ लेगा, पोजीशंस अनसर्टेनिटी इन पोजीशंस पूछ लेगा, मोमेंटम दोनों की प्रोडक्ट है वो पूछ लेगा, कुछ भी पूछ सकता है वो, ठीक है। मैंने एक वीडियो बहुत अच्छे से बना रखी है इस पे, जेस्ट की जब मैंने सीरीज स्टार्ट की थी महादंगल सीरीज, तो वहाँ पे मैंने इस टॉपिक को बहुत अच्छे से करवा रखा, नहीं देखा अगर किसी ने ज़्यादा नॉलेज लेनी है, क्योंकि पैटर्न का देखो न तो आपको पता न मुझे पता कैसा आएगा DSSB का, क्योंकि हर बार है पैटर्न चेंज होते रहते हैं। 2014 का अगर आप पेपर देखोगे तो कम्प्लीटली ही नेट गेट और जस्ट सिलेबस से रिलेटेड था, लेकिन अगर 2018 का देखोगे तो 11th और 12th था, लेकिन मोस्टली एडवांस लेवल का था, फीमेल का पेपर, मेल का पेपर वो बिल्कुल ईजी था, इसलिए मैंने मेल का पेपर है वो स्टार्ट नहीं किया, तो आप इजीली हैंडल कर सकते हो। फीमेल का था थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, सारे के सारे क्वेश्चन है वो एडवांस लेवल के आए हुए थे, राइट। तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना फीमेल का जो पेपर है उसी को ही कुछ क्वेश्चन है वो करवा दिए जाए, राइट। अच्छा देखो क्वेश्चन नंबर 62 क्या है, क्वेश्चन नंबर 62 क्वेश्चन में कहा है, लेट क्या दिया है, एक वेव फंक्शंस गिवन है, कैसा, साइन nx दिखाई दे रहा है, ठीक है। अच्छा इसने बोला रिप्रेजेंट्स करता है द नॉर्मलाइज्ड आइगन फंक्शंस, इसने खुद ही बोल दिया कि जो वो वेव फंक्शंस अभी मैं जो लिखूंगी वो कैसा है, नॉर्मलाइज्ड आइगन वेव फंक्शंस है, कोरस्पॉन्डिंग टू द लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर, किसके कोरस्पॉन्डिंग, लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर्स के कोरस्पॉन्डिंग उसने वेव फंक्शंस दिया है। क्या दिया है देखो कैसा, ये दिया है मेरे पास साई एक्स जीरो, ये जीरो मीन्स एट टाइम टी इक्वल टू जीरो, मीन्स वेव फंक्शंस को लिखते हैं तो हम कुछ इस फॉर्म में लिखते हैं, पोजिशंस एंड टाइम। एक्चुअली हमारे पास है, हम जो वेव फंक्शंस निकालते हैं वो किसी भी वेव फंक्शंस को, ये वेव फंक्शंस कुछ भी नहीं बताता, वो सिस्टम के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन, जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है वो हमें प्रोबेबिलिटी बताती है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बताती है, राइट। अब यहाँ पे देखो इसने जो वेव फंक्शंस गिवन है वो कैसा गिवन है, लाइक दैट कुछ ऐसे है, 1/√3 साई 0x प्लस का 1/2 साई 5x प्लस का √5/15 साई nx, इसने ये गिवन है, कब दिया गिवन है, एट टाइम t इक्वल टू जीरो, यहाँ पे t इक्वल टू जीरो है, ठीक है। अच्छा अभी उसने पूछा वी मेक ए मेजरमेंट ऑफ एनर्जी, हमने एक मेजरमेंट करनी है किसकी, एनर्जी की, ओके आगे क्या कहता है, हमने जो एनर्जी फाइंड आउट करनी है, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द वैल्यू, हमें कितनी प्रोबेबिलिटी है वो कितनी आनी चाहिए, 11/2 एच कट वो ओमेगा, जब प्रोबेबिलिटी इतनी है तो इसके कोरस्पॉन्डिंग जो एनर्जी है वो क्या है, हमने वो बतानी है। अब यहाँ पे देखो हार्मोनिक ऑसिलेटर का केस है, जो भी वेव फंक्शंस है मेनली आई थिंक है कुछ गिने चुने वेव फंक्शंस हैं, क्या क्या, सिमेट्रिक, एसिमेट्रिक, डिराक पोटेंशियल,
हार्मोनिक ऑसिलेटर एंड हाइड्रोजन एटम एंड फाइनाइट वेल पोटेंशियल, इन सभी वेव फंक्शंस के जो मैंने अभी बताए हैं, इन सभी के आपके पास वेव फंक्शंस, उनके कोरस्पोंडिंग एनर्जी कैसे आती है, उनके कोरस्पोंडिंग एक्सपेक्टेशंस वैल्यू ऑफ पोजिशंस, मोमेंटम अनसर्टेनिटी इन पोजिशंस, मोमेंटम प्रोडक्ट ऑफ बोथ अनसर्टेनिटी इन पोजिशंस एंड मोमेंटम एंड प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं, एंड समथिंग कुछ जनरल फॉर्मूले भी हैं, जैसे हाइड्रोजन में बहुत जनरल फॉर्मूले हैं जो कि मैंने वीडियो भी बना रखे और डाल भी रखे हैं कि कैसे इन हाइड्रोजन के केस में कैसे एक्सपेक्टेशंस वैल्यू निकालते हैं, चाहे वो आर की हो, चाहे वो एक्सपेक्टेशन ऑफ आर स्केयर की हो, वन अपॉन आर की हो, या वन अपॉन में आर स्केयर की हो, विद इन फ्यू सेकेंड में कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ये आपको टिप्स के ऊपर याद होना चाहिए, समझ गए, क्योंकि आप वहां पे वेव फंक्शंस निकालने नहीं बैठोगे, समझ गए, नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट एवरी वेव फंक्शंस के कोरस्पोंडिंग आपको याद होने चाहिए, समझ गए। अब यहां पे देखो क्या गिवन था, हार्मोनिक ऑसिलेटर का केस गिवन था, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इन हार्मोनिक ऑसिलेटर्स में मेरे पास जो एनर्जी आती है वो कैसे आती है, ई विच इज इक्वल टू एन प्लस का 1/2 एच कट वो ओमेगा। अब यहाँ पे जो मैं एन की वैल्यू लेती हूँ वो जीरो से स्टार्ट करती हूँ, राइट, हार्मोनिक ऑसिलेटर का। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन तो यही था टायर वन में, जो टायर वन का जो पेपर था उसमें एक क्वेश्चन तो यही था कि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के कोरस्पोंडिंग हार्मोनिक ऑसिलेटर्स में एनर्जी कितनी होती है। अब ये जो जीरो होगी ये किसके कोरस्पोंडिंग है, फॉर ग्राउंड स्टेट, वन है वो किसके कोरस्पोंडिंग है, फॉर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। तो यहाँ पे आप एन की वैल्यू अगर आप वन पुट करते हो तो मेरे पास है ई की जो एनर्जी आ जाएगी वो किसके इक्वल आ जाएगी, 3/2 एच कट वो ओमेगा। एक क्वेश्चन तो यही था, समझ गए, इसको आप विद इन एक सेकेंड में मैंने ज्यादा कहा, अगर थोड़ी सी भी नॉलेज है, क्वेश्चन पढ़ा, जस्ट आपको आपने आंसर को टिक किया, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो क्या है, ये निकालते हैं। अब यहाँ पे देखो इस सिस्टम में किस के कोरस्पोंडिंग है, किस वेव, ये वेव फंक्शंस कौन सा है, ग्राउंड स्टेट का, ये कौन सा आई थिंक फोर्थ एक्साइटेड स्टेट का, और ये कौन सा एट्थ एक्साइटेड स्टेट का। अब यहाँ पे इसमें जो एन की वैल्यू है वो 9 है, यहाँ पे एन की वैल्यू है वो 5 है, और यहाँ पे एन की वैल्यू है वो 0 है। तो मेरे पास है जो है, इसने पूछा था, अच्छा इसने प्रोबेबिलिटी पूछी है, हाँ सॉरी, इसने प्रोबेबिलिटी पूछी है और एनर्जी है वो गिवन है, ठीक है, इस एनर्जी के कोरस्पोंडिंग है वो प्रोबेबिलिटी कितनी है। अब आप ये एनर्जी निकालो, सबसे पहले कैसे निकलेगी ये एनर्जी, ठीक है, एक मिनट को मैं थोड़ी इंक डाल लेती हूँ, तब तक आप कैलकुलेट करो कैसे निकालोगे, बिल्कुल ही ईजी है। एन की वैल्यू पुट करके देखो एनर्जी में, जो कि मैंने अभी अभी लिखी थी, देखो एन की वैल्यू ही पुट करनी है हमने, पहले एनर्जी निकाल ले कि किस वेव फंक्शंस के कोरस्पोंडिंग है, ये इतनी एनर्जी आई है, मैंने अभी भी लिखी थी ई विच इज इक्वल टू एन प्लस का 1/2 एच कट वो ओमेगा। एन की वैल्यू कितनी थी, 0 से स्टार्ट होती है अप टू सोन ऑफ कुछ भी, पहले मैंने 0 पुट की, तो यहाँ पे 0 पुट करूंगी तो 1/2 एच कट वो ओमेगा, मीन्स इस वेव फंक्शंस के कोरस्पोंडिंग है ये एनर्जी नहीं है। अब सेकेंड देखो 5 क्या लिया मैंने, 5 पुट करूंगी यहाँ पे, तो मैंने 5 पुट किया, तो यहाँ पे अगर मैं लूंगी 10 और एक 11/2 एच कट वो ओमेगा, मीन्स इस वेव फंक्शंस के कोरस्पोंडिंग है मेरे पास कितनी एनर्जी आई है, 11/2 एच कट वो ओमेगा, जो कि उसने कहा भी था, ठीक है। अब मुझे इसी के कोरस्पोंडिंग क्या फाइंड आउट करनी थी, प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी थी, ठीक है। अब जब भी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करते हैं तो कैसे फाइंड आउट करते हैं, पी विच इज इक्वल टू जिस भी वेव फंक्शंस के कोरस्पोंडिंग हो उससे आगे जो भी कॉन्स्टेंट लिखा, यहाँ पे ऐसे
एक्चुअली मैं इसको अगर कम्प्लीटनेस सिस्टम में देखूँ तो यहाँ पे क्या आते हैं C1, C2, C3 इस प्रकार के कॉम्बिनेशंस में लिखते हैं। तो प्रोबेबिलिटी कैसे आते हैं, उसी वेव फंक्शंस के कोरस्पॉन्डिंग जो भी उसके आगे है, आगे क्या है 1/2। अगर मैं इसको मान लें सपोज कर लेती हूँ ये C1 है, ये C2 है और ये C3 है, तो यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी आएगी इसका स्केयर करना है, राइट। अब यहाँ पे इसका स्केयर कर दो, 1/2 था तो स्केयर करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/4, राइट। तो हमारे पास जो 1/4 है वो राइट आंसर है, राइट। तो हमने ऐसे करना था। अब अगर इससे पूछ ले क्या एनर्जी आपको लिखनी आ गई, अब यहाँ से क्या पूछ लेता वो, अगर वो पूछ ले वेव फंक्शंस कैसे लिखते हैं, तो हार्मोनिक ऑसिलेटर का जो वेव फंक्शंस होता है वो क्या होता है, m ओमेगा / π h कैट 1/4 e^(-m ω का एम ओमेगा x² / 2 h कैट, राइट। ये होता है हमारे पास इन हार्मोनिक ऑसिलेटर के वेव फंक्शंस, ठीक है। लेकिन आप देखो जो भी अगर मेरे पास क्या हो, चाहे वो सिमेट्रिक हो चाहे एसिमेट्रिक हो, वहाँ पे जो नॉर्मलाइजेशन कॉन्स्टेंट है वो चेंज नहीं होता, ठीक है। सिर्फ आप विड्थ को देखने यार √2/ में उसके पुट करना। लेकिन अगर आप हार्मोनिक ऑसिलेटर का केस देखो या फिर आप हाइड्रोजन्स का केस देखो तो वहाँ पे नॉर्मलाइजेशन कॉन्स्टेंट है एवरी स्टेट के कोरस्पॉन्डिंग है वो चेंज होता है, समझ गए। तो हमने इस क्वेश्चन को ऐसे करना था, इस क्वेश्चन से रिलेटेड या कुछ इन्फॉर्मेशन थी वो ये थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 63 देखो। क्वेश्चंस में बोला है एक पोटेंशियल दिया है, पोटेंशियल एनर्जी वेरिएशन ऑफ द फॉर्म किस टाइप की फॉर्म में दिया, V(x, y, z). अब यहाँ पे देख लो x, y, z मीन्स 3D में गिवन है। क्या गिवन है देखो, 0 इन्फिनिटी कहाँ से कहाँ, 0 3D में गिवन है ये एंड अदरवाइज ऐसे है। अब अच्छा इसने बोला है क्या हमारे पास एनर्जी भी गिवन है क्या, के nx² ठीक है। अब यहां पे देखो इसने खुद भी मेंशन कर दिया क्या, अब आपको ऊपर देख के भी पता लग रहा होगा कि ये किस टाइप का केस है, किस टाइप का केस है ये, 0 to L है, 0 से एक साइड है, तो कैसा पोटेंशियल है, एसिमेट्रिक टाइप ऑफ पोटेंशियल है। कैसा पोटेंशियल है, एसिमेट्रिक टाइप ऑफ पोटेंशियल है। अब यहाँ पे देखो मैंने उसमें भी बताया था, अभी बताया था एन के वैल्यू कहाँ से स्टार्ट करते हैं, 1 से स्टार्ट करते हैं, तो इसने खुद भी बता दिया, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखो इसने जो पूछी क्या पूछा है, इसने के की वैल्यू पूछी है, हमने के की वैल्यू बतानी है और कुछ गिवन ऑप्शन भी गिवन है, ठीक है। तो उनमें के की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमेशा क्या रखो क्या, जब भी हम जो वेव फंक्शंस होता है ना ऑलवेज उसको किसकी प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखते हैं, वेव फंक्शंस को ऑलवेज प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखते हैं एंड किसको एनर्जी को ऑलवेज सम के फॉर्म में लिखते हैं। जैसे अब यहाँ पे 3D का केस है तो हम यहाँ पे एनर्जी को कैसे लिखेंगे, देखो आपको 1D का मैंने अभी अभी बताया था, दोनों उसमें जो पहले क्वेश्चन करवाया था, तो 1D के केस में सिमेट्रिक टाइप में पोटेंशियल कैसे होती है, x लिखा क्योंकि यहाँ पे 3D में है तो इसलिए मैंने n के नीचे जो सबस्क्रिप्ट में x लिखा, nx² π² h²² डिवाइड में 2m, यहाँ पे कितना आता विड्थ का स्केयर। अब nx² अब इसकी देखो विड्थ कितनी है, l - 0 0 तो मीन्स 2m l का स्केयर, अभी अभी बताया। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, एनर्जी को इसके फॉर्म में लिखोगे, राइट। अब यहाँ पे मैंने क्या बताया था, एनर्जी को सम के फॉर्म में लिखते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा n y² π² h² 2m l² प्लस का n z² π² h² 2m l² सभी के कोरस्पॉन्डिंग जो विड्थ आएगी वो l आएगी, राइट। अब यहाँ पे है देखो क्या है, nx² y² z² पूछा, अब बाकी का जो भी कॉमन आता है कॉमन निकालो, कॉमन क्या आ रहा, π² h² 2m l² प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो, जितना ज़्यादा शेयर करोगे जितने ज़्यादा लाइक करोगे मोटिवेट करोगे उतना ही अच्छा मटेरियल आपको मिलेगा, समझ गए।
देखो अब यहाँ पे मैंने जो कॉमन आ रहा था वो कॉमन मैंने ले लिया। अब इसने क्या पूछा था, यही तो पूछा था, ये जो टर्म्स हैं ये इसने गिवन है। और क्या है, क्या पूछा है, के पूछा। अब इसको वन एंड जो सेकंड, जो गिवन है, जो गिवन है और जो ये मैंने निकाली है, इन दोनों को आप कंपेयर करो तो के की वैल्यू आ जाएगी, वो क्या आएगी, पाई स्केयर एस्कर्ट स्केयर अपोन में टू एम एल स्केयर, विच इज अवर राइट आंसर। ये आपका क्या है, आंसर है। ऑप्शंस में वो जो एम के प्लेस पे वो म्यू गिवन है, ठीक है, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना, समझ गए। क्वेश्चन है वो इस टाइप से निकालना था, थ्री डी में। अगर वो टू डी बोलता तो ये वाले टर्म्स नहीं आती। अब इसने थ्री डी बोला तो हम ऐसे लिखेंगे। अगर वो वेव फंक्शंस पूछ लेता, यहाँ पे जस्ट इसने एनर्जी पूछी, तो वेव फंक्शंस को मैं कैसे लिखती, प्रोडक्ट के फॉर्म में। मैं यहाँ पे लिख के बता देती हूँ, इसी के केस में अगर वो वेव फंक्शंस पूछता फ्यूचर्स में कमिंग एग्जाम में, तो कैसे लिखते हैं आप, एन एक्स एन वाई एन जेड के कोरस्पॉन्डिंग रूट टू अपोन में एल साइन एन पाई एक्स अपोन में टू पाई एल रूट टू अपोन में एल साइन एन पाई वाई अपोन में एल रूट टू अपोन में एल साइन एन पाई जेड अपोन में टू पाई एल। ये हमारे पास वेव फंक्शंस पूछ लेता तो हम ऐसे लिखते, या फिर क्वेश्चन है कुछ ऐसे आ जाता ऑब्जेक्टिव टाइप में कि वेव फंक्शंस है उसको कैसे लिखते हैं हम, इन द समेशंस की फॉर्म में, प्रोडक्ट की फॉर्म में, सब्ट्रैक्शंस की फॉर्म में या डिविजन्स की फॉर्म में। तो वेव फंक्शंस को ऑलवेज प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखते हैं, एंड जो एनर्जी है उसको ऑलवेज हम सम की फॉर्म में लिखते हैं। मीन्स जो भी एनर्जी है उसको ऑलवेज आप एडअप करते जाओ, सम करते जाओ, समझ गए। तो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। इसमें देखो ये हाइड्रोजन एटम से रिलेटेड है, या तो आप इसको, इसके आंसर को डायरेक्ट याद रखो, या फिर मैं अभी करवाऊंगी। तो क्वेश्चन है थोड़ा लंबा है, लेकिन इस क्वेश्चन से रिलेटेड है, इन मिडविन है, जो मैं भी जो प्रोसीजर से करवाऊंगी उसके मिड में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं जो कि वो पूछ सकता है एग्जाम में, तो आप है प्लीज़ ध्यान से देखना। तो देखो क्वेश्चन नंबर 64 है, हाइड्रोजन एटम से रिलेटेड है, कंप्लीट उसने हाइड्रोजन एटम का वेव फंक्शंस ही पूछा, कैसे निकालते हैं देखो क्या है। सबसे पहले इसने ना कुछ गिवन दिया है, पहले आप क्वेश्चंस को रीड करो, क्या गिवन है, इसने बोला है 64 क्वेश्चन, फॉर ए स्फेरिकल सिमेट्रिक पोटेंशियल द रेडियल पार्ट ऑफ द श्रोडिंगर इक्वेशन इज, उसने रेडियल पार्ट लिखा, क्या लिखा देखो मैं बताती हूँ, डी टू आर अपोन में डी आर स्केयर प्लस का टू अपोन में आर डी आर अपोन में डी आर प्लस का ई माइनस का वी आर प्लस का एफ ऑफ आर, और यहाँ पे क्या लिखा, आर विच इज इक्वल टू जीरो। ये इसने दिया है एक रेडियल वेव फंक्शंस, और इसने पूछा क्या हम, इसने पूछा एफ आर की वैल्यू, क्या पूछा इसने, एफ आर की वैल्यू पूछी है, और कुछ ऑप्शंस मेंशन है उनमें से आपको बताना कि एफ आर की वैल्यू क्या होगी, समझ गए। यही क्वेश्चन है, ठीक है, द फंक्शन एफ आर इज गिवन बाई, अब उसने एफ आर पूछ लिया, एफ आर क्या होता, देखो क्वेश्चन को करते हैं, अब मैं इसको इरेज करती हूँ, आप ध्यान से समझना, टॉपिक भी है, टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, और यहाँ पे भी आएंगे जो भी उसने गिवन है। सबसे पहले उसने पूछा क्या, हाइड्रोजन एटम का केस, हाइड्रोजन एटम का केस है, तो हाइड्रोजन एटम के केस में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि पोटेंशियल है वो किस फॉर्म में होती है, समझ गए। तो दूसरी बात, हाइड्रोजन एटम है उसके बारे में आपको कुछ इन्फॉर्मेशंस भी पता होनी चाहिए कि कैसे क्या अजम्पशंस किए गए थे, क्योंकि हाइड्रोजन एटम का जो टॉपिक है अपने आप में ही बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार एनर्जी पूछ लेता, फ्रीक्वेंसी पूछ लेता, वेलोसिटी पूछ लेता, रेडियस पूछ लेता है, कुछ भी पूछ लेता है, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये एटॉमिक फिजिक्स में भी है और यहाँ पे क्वांटम फिजिक्स में भी है ये वाला टॉपिक, ठीक है। तो अभी देखो इसमें जो हमारे पास है, यहाँ से देखो जो पोटेंशियल होती है वो किसके फॉर्म में होती है, जो मेरे पास जो पोटेंशियल है हाइड्रोजन एटम है, तो मेरे पास कुछ ऐसा होता है ना, इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है वो यहाँ पे रिवॉल्व करते हैं और अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। अब यहाँ पे क्या है, टू चार्ज पार्टिकल है, दो चार्ज पार्टिकल है ना, एक यहाँ पे न्यूक्लियस
जो अंदर है तो यहाँ पे क्या है न्यूक्लियॉन, और बाहर है जो इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, तो यहाँ पे है क्या टू चार्ज पार्टिकल है और सेपरेटेड है बाय सम डिस्टेंस से। तो इसमें जो पोटेंशियल होते हैं वो कैसे पोटेंशियल होते हैं, कोलंबियन पोटेंशियल होते हैं। तो यहाँ पे आप है पोटेंशियल लिखो वी विच इज इक्वल टू हमारे पास जो पोटेंशियल आएगी, देखो मैं बताती हूँ इसमें जो पोटेंशियल है, एक मिनट रुको, देखो पोटेंशियल है वो कैसे लिखते हैं, वन अपॉन में फोर पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस का ई स्क्वायर अपॉन में आर। हमारे पास जो पोटेंशियल होगी वो किसके फॉर्म में होगी, इसके फॉर्म में होगी, राइट। अब हम यहाँ पे जब हैमिल्टोनियन लिखते हैं तो हैमिल्टोनियन है वो कैसे लिखते हैं, सम होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस का पोटेंशियल एनर्जी, समझ गए, राइट। अब यहाँ पे है काइनेटिक एनर्जी है, एक्चुअली काइनेटिक एनर्जी को कैसे लिखते हैं हम इन जनरल क्लासिकल में कैसे लिखते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर, लेकिन इसको यहाँ पे ऐसे इस फॉर्म में नहीं लिखना, हमने किसके फॉर्म में लिखना, मोमेंटम के फॉर्म में लिखना। तो अगर आप इसको मोमेंटम के फॉर्म में लिखोगे तो कैसे लिखेंगे, पी स्क्वायर अपॉन में टू एम प्लस का पोटेंशियल। लेकिन क्या हाइड्रोजन में हमारे पास है टू पार्टिकल इन्वॉल्व है, लेकिन अगर जब टू पार्टिकल का आप देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, एम लिखा, जब भी टू बॉडी प्रॉब्लम आती है तो हम उसको क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं किसी किस में, एक वन बॉडी प्रॉब्लम में बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ, किस कॉन्सेप्ट का यूज़ करके, रिड्यूस मास कॉन्सेप्ट का यूज़ करके, मीन्स यहाँ पे मैं म्यू यूज़ करूँगी जो कि किसके इक्वल होगा, एम वन एम टू अपॉन में एम वन प्लस का एम टू, क्योंकि ये टू बॉडी प्रॉब्लम है, समझ गए। यहाँ पे एक तो इलेक्ट्रॉन है और अंदर क्या है न्यूक्लियॉन है, उन दोनों के बीच में है जो एक फोर्स डेवलप हुआ है, और वहाँ से मैंने इस टू बॉडी प्रॉब्लम्स को किस में कन्वर्ट करना है, वन बॉडी प्रॉब्लम में विद द हेल्प ऑफ रिड्यूस मास कॉन्सेप्ट में। तो यहाँ पे मैं प्लेस ऑफ एम क्या यूज करूँगी, म्यू, राइट। अब यहाँ पे क्या है, वे की वैल्यू पुट करोगे पोटेंशियल की तो क्या आएगा, माइनस का इसके अपॉन में फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर आ गया। अब हमारे पास है श्रोडिंगर इक्वेशंस है, कौन सी यूज करें, क्योंकि हमारे पास है टू है, एक टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन और एक टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन, हम कौन से यूज करें, ये कंप्लीटली डिपेंड करता है पोटेंशियल पे, क्योंकि पोटेंशियल ही हमें ये बताती है कि हमने किस टाइप की पोटेंशियल यूज कर, सॉरी किस टाइप के हमने श्रोडिंगर इक्वेशन यूज करनी है, ठीक है। अगर पोटेंशियल है उसमें कहीं पे भी अगर टाइम का फंक्शन आ जाता है देन वी ऑलवेज यूज टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशंस, लेकिन अगर पोटेंशियल उसमें कहीं पे भी टाइम का फंक्शन नहीं आता देन वी ऑलवेज यूज टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशंस, ऑलवेज रिमेंबर दैट। क्वेश्चन से एक नंबर में कुछ भी कहीं से भी पूछ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कौन से यूज करेंगे, टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशंस। सो हम यूज कर रहे हैं h साई विच इज इक्वल टू e साई, ठीक है। अब आप यहाँ पे मेरे पास है हैमिल्टोनियन आ चुका है, तो यहाँ पे आप पुट करो इस इक्वेशंस में और हम इसको अब कंप्लीटली अच्छे से सोल्व करते हैं। देखो मेरे पास ये आ गया ना, अब आपको जस्ट ये पुट करना है और कुछ नहीं, और आप यहाँ पे देखो क्या, दूसरी बात क्या मैंने यहाँ पे आप देखो साई आ रहा है वो क्यों लिखा, क्योंकि अब आपने देखा है जो पोटेंशियल है वो कंप्लीटली किस पे है, वी है, कैसा था, माइनस का ई स्क्वायर अपॉन में फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर। जो पोटेंशियल है वो कंप्लीटली आर पे डिपेंड है, मीन सेंट्रल पोटेंशियल है, वो कहीं पे भी इस पोटेंशियल में थीटा एंड फाइव का कंपोनेंट नहीं आया। तो वी कैन से दैट दिस पोटेंशियल इज सेंट्रल पोटेंशियल, और वी कैन से दैट स्फेरिकल सिमेट्रिक, राइट। तो यहाँ पे है जो भी मैं अब यूज करूंगी वो स्फेरिकल सिस्टम का यूज करूंगी, और सेंट्रल पोटेंशियल के केस में तो यहाँ पे देखो हम क्या यूज करेंगे, आपको पता लग गया होगा कौन सा श्रोडिंगर इक्वेशंस यूज करनी है, टाइम इंडिपेंडेंट। अब यहाँ पे कौन सा यूज करना है, स्फेरिकल सिस्टम या सिलेंड्रिकल या कार्टेशियन, कौन सा यूज करेंगे, स्फेरिकल, क्योंकि यहाँ पे जो पोटेंशियल है वो अर्थ का है, और अगर मैं इसको ट्रेस करती हूँ तो कुछ ऐसा है वो स्फेरिकल के फॉर्म में है। आप कहीं पे भी देखोगे पोटेंशियल है वो चारों तरफ है, कॉन्स्टेंट है, तो इसलिए मैं ये क्या है, कौन सा यूज सिस्टम यूज करूंगी, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट, राइट। अब आप एच की वैल्यू पुट करो, एच की वैल्यू क्या थी मेरे पास, पी स्क्वायर अपॉन में टू म्यू माइनस का
पोटेंशियल था वी स्केयर अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। या तो आप ऐसे लिखो या आप क्या करो इसको ये ना लिखो प्लस में वी कर दो। यहाँ पे क्या थे ई था, ठीक है यही था ना, यहाँ पे क्या था ई था विच इज इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा ई साई आर आ गया। अब यहाँ पे आपको मोमेंटम ऑपरेटर है पता होना चाहिए, एक्चुअली इससे जो आगे क्वेश्चंस करवाऊंगी वहाँ पे जस्ट यही पूछा है कि मोमेंटम ऑपरेटर की है वैल्यू है क्या लिखते हैं। मोमेंटम ऑपरेटर है पी है उसकी वैल्यू कितनी होती है माइनस का आयोटा एच कट कर्ल अपॉन में कर्ल एक्स उस लिखते हैं यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे एक्स है लेकिन हम क्या जो सिस्टम यूज करेंगे वो कौन सा यूज करेंगे स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो हम इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, कैसे लिखेंगे डेल की फॉर्म में। तो मैंने इसको क्या लिखा माइनस का आयोटा एच कट डेल। अब यहाँ पे क्या है पी स्केयर है तो यहाँ पे इसका स्केयर करो तो यहाँ से क्या आएगा माइनस का एच कट स्केयर डेल स्केयर लिख दिया। अब यहाँ पे मैंने इसमें डायरेक्ट पुट कर दिया। अब ध्यान से समझना टॉपिक भी इम्पोर्टेंट है और टॉपिक से रिलेटेड है क्वेश्चंस भी, वो कुछ भी पूछ सकता है। तो मैंने ये लिख दिया माइनस का एच कट स्केयर डेल स्केयर अपॉन में 2 म्यू माइनस का ई स्केयर अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर साई आर ई साई आर समझ गए। अब यहाँ पे देखो पोटेंशियल आपको पता लग गया होगा थीटा एंड फाई का फंक्शन नहीं है, ओनली पोटेंशियल वो किसका फंक्शन है आर का फंक्शन है। अब यहाँ पे क्या करो अब ये जो सिस्टम है इस सिस्टम को मैं कैसे लिखूंगी एक मिनट रुको मैं पानी पी लेती हूँ। अब देखो कैसे माइनस का एच कट स्केयर अब यहाँ पे क्या आ गया डेल स्केयर आ गया। अब आपको पहले सबसे पहले डेल स्केयर ओपन करना आना चाहिए, कैसे ओपन करते हैं ये क्या है एक्चुअली लैप्लासियन ऑपरेटर है ठीक है। तो लैप्लासियन ऑपरेटर देखो कैसे ओपन करते हैं मैं डायरेक्ट बताती हूँ क्या पहले पहले मैं आपको एक जनरल बताती हूँ जनरल कैसे लिखते हैं एंड आफ्टर दैट है कैसे इन स्पेरिकल कोऑर्डिनेट के फॉर्म में लिखते हैं वो भी देखो राइट तो यहाँ पे देखो कैसे लिखते हैं। इस पे भी एक क्वेश्चन है आई थिंक मैंने लास्ट वीडियो में भी करवाया था एक क्वेश्चन याद हो तो आपको आई थिंक क्वेश्चन नंबर 60 था उसमें आई थिंक मैंने यही यूज किया था। कुछ नहीं करना जिसके भी रिस्पेक्ट में हो ना उससे डिवाइड करना है। अभी बताती हूँ कैसे कर ले थीटा दिखाई दे रहा ठीक है प्लस का डाइवर्जेंस में डिवाइड नहीं करते बस डिफरेंस इतना होता है ऐसा लिखते हैं इन जनरल ठीक है। अब यहाँ पे जो H1 H2 H3 हैं ये क्या होते हैं H1, H2, H3 स्पेरिकल में होते हैं 1 R R साइन थीटा एंड सिलेंड्रिकल में होता है 1 ρ1 एंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में होते हैं 1 1 1 इन सभी की वैल्यू। अब मैंने क्या कहा था किससे डिवाइड करना ये देखो 1 है एक्चुअली अगर मैं इसको लूँ तो यहाँ पे क्या लिखेंगे ये जो पहले वाली वैल्यू है R थीटा एंड फाइव के कोरस्पॉन्डिंग है। अब देखो मैंने R के रिस्पेक्ट में किया था तो मैंने H1 से डिवाइड किया, जब मैंने थीटा लिखा तो थीटा की वैल्यू मैंने ये बोली तो आर तो मैंने यहाँ पे H2 से डिवाइड किया और ऊपर जो बाकी का बचता है उन दोनों की प्रोडक्ट करनी है। इन जनरल मैं ऐसे लिखती हूँ, अगर आपको जनरल याद है तो आप तीनों सिस्टम के लिख सकते हो। अब आप देखो कैसे लिखना है मैं अब आप इसको इरेज करती हूँ अब मैं डायरेक्ट लिखूंगी यहाँ पे डेल स्केयर इसकी जो वैल्यू होगी 1 अपॉन में तीनों की प्रोडक्ट थी आर स्केयर साइन थीटा अच्छा कर्ल अपॉन में कर्ल आर एंड यहाँ पे क्या था आर के रिस्पेक्ट में कर रही हूँ ना तो क्या आएगा आर स्केयर साइन थीटा एंड कर्ल यहाँ पे क्या आएगा
साई लिख लूँ मैं अपॉन में आर प्लस का वन अपॉन में जो मैंने बाहर लिखा था ना टर्म्स ब्रैकेट से बाहर, मैं वो डायरेक्ट है तीनों से साथ के साथ मल्टीप्लाई करके लेके चलती हूँ। वन अपॉन में आस का आस के साइन थीटा एंड यहाँ पे कितना आएगा मेरे पास कल अपॉन में कल थीटा एंड थीटा है तो उसको छोड़ दो तो यहाँ से कितना आ जाएगा आर साइन थीटा एंड आर से डिवाइड करना है एंड कल साई अपॉन में कल थीटा यहाँ पे क्या है ये आर है और यहाँ पे क्या आएगा मेरे पास थीटा प्लस का वन अपॉन में आर स्क्वायर साइन थीटा कल अपॉन में कल फाइव एंड वन आर अब यहाँ पे कितना आएगा ऐसे था ना वन आर आर साइन थीटा तो यहाँ पे क्या आएगा आर अपॉन में आर साइन थीटा एंड यहाँ पे कितना आ जाएगा कल साई अपॉन में कल फाइव ऐसे ठीक है। तो इसको आपको ऐसे लिखना राइट। अब आप है जो भी कटता पिटता है आप इसमें काटो क्या आएगा देखो आर के रिस्पेक्ट में साइन थीटा का कोई काम नहीं है तो बाहर लेके आऊँगी तो ये कट जाएगा ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखो थीटा का इस टाइम पे अब कोई काम नहीं अच्छा थीटा से आर कट गया क्योंकि थीटा के रिस्पेक्ट में तो होगा डेरिवेटिव आर से आर है यहाँ कट गया और साइन थीटा है वो कॉन्स्टेंट है तो साइन थीटा को मैं बाहर ले लूँगी तो यहाँ से कितना आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और ये क्या बन जाएगा ऐसे बन जाएगा समझ गए। मैंने लैप्लासियन ऑपरेटर को लिखा किस में इन स्पेरिकल कोऑर्डिनेट्स में लिखा। अब यहाँ पे मेरे पास है डेल स्केयर की वैल्यू है ये आ गई उसको मल्टीप्लाई करो किससे माइनस का कट स्केयर टू म्यू से और अब आगे आप सोल्व करो देखो कैसे करते हैं हम मैं यहीं पे पुट कर दूँ इसके वैल्यू वन अपॉन में आर स्केयर आया माइनस का एच कट स्केयर टू म्यू क्योंकि मैंने डेल स्केयर की ये वैल्यू ये वाली जो वैल्यू है लिख दी माइनस का ई स्केयर अपॉन में फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर और यहाँ पे कितना आ गया मेरे पास साई आर थीटा फाइव एंड हेयर ई विच इज इक्वल टू ई साई आर थीटा एंड फाइव मैंने ये लिख दिया समझ गए। यहाँ पे ये वाली वैल्यू है यहाँ पे पुट कर दी यहाँ पे ये लिख दिया ब्रैक के यहाँ पे मैंने ये लिखा साई आर थीटा लिख दिया एर एनर्जी है मैंने वहाँ पे लिख दी राइट। अब आप क्या करो यहाँ पे अब दोबारा फिर देखो इसमें अब आपको पता होना चाहिए क्या कि जो यहाँ पे जो पोटेंशियल था वो कम्प्लीटली आर पे डिपेंड है लेकिन अगर आपने थोड़ा सा भी पढ़ा है तो ये वाली टर्म्स है ना कहीं मिलती जुलती है ये थीटा एंड फाइव को और इसको क्या बोलते हैं हम हार्मोनिक्स सिस्टम में कैसे लिखते हैं इसको ये ध्यान से देखो। एक्चुअली मैं यहाँ पे देखो पहले आप इन दोनों में से देखो क्या कॉमन आ रहा है पहले इस कॉमन ले लो इसमें से कितना आएगा माइनस का एच कट स्केयर अपॉन में टू म्यू दिखाई दे रहा है ना ठीक है। अब यहाँ से कितना आया मेरे पास वन अपॉन में आर स्केयर कल अपॉन में कल आर आर स्केयर कल साई अपॉन में कल आर आ गया। अब इसमें से और इसमें से क्या कॉमन है आर स्केयर कॉमन है ना आर स्केयर कॉमन तो यहाँ से आर स्केयर कॉमन लो वैसे साइन थीटा लेकिन आपको आर स्केयर लेना पहले बताती हूँ क्यों वन अपॉन में आर स्केयर कॉमन लिया तो यहाँ से कितना बच गया साइन थीटा कल अपॉन में कल थीटा साइन थीटा कल साई अपॉन में कल थीटा यहाँ से कितना आ गया आर स्केयर ले लिया यहाँ से कितना बच गया साइन स्केयर थीटा प्लस का वन अपॉन में साइन स्केयर थीटा कल स्केयर अपॉन में कल फाइव स्केयर और इसमें से यहाँ पे साई मत लिखो साई है हम लास्ट में लिखेंगे यहाँ पे आ गया और इसमें लास्ट में क्या आ गया मेरे पास साई आर थीटा फाइव साई आर थीटा फाइव प्लस का वी साई आर थीटा फाइव विच इज इक्वल टू ई साई आर थीटा फाइव ठीक है। मैंने ये लिखा इसको सोल्व करने के बाद मेरे पास ये आ गया। अब आप ये वाली जो वैल्यू है ये किसकी होती है एल स्केयर देखो कैसे हार्मोनिक्स स्पेरिकल हार्मोनिक्स होता है जो कि थीटा एंड फाइव पे डिपेंड करता है और अब यहाँ पे देखो किस उसकी वैल्यू कितनी होती है एल एल से हम उसको लिखते हैं एल स्केयर विच इज इक्वल टू माइनस का एच कट स्केयर
सेम वैल्यू, सेम वैल्यू, वन अपॉन में साइन थीटा, कल अपॉन में कल थीटा, साइन थीटा कल अपॉन में कल थीटा, प्लस का वन अपॉन में साइन स्केयर थीटा कल स्केयर। ये किसके वैल्यू होते हैं? स्पेरिकल हार्मोनिक्स की, जो कम्प्लीटली किस पे डिपेंड करता है? थीटा एंड फाइव पे। क्यों लिखा? क्योंकि जो क्वेश्चंस में क्या पूछा था, रेडियल पार्ट पूछा था, पूछा था ना, लेकिन यहाँ पे थीटा एंड फाइव का पार्ट भी इन्वॉल्व है, तो मुझे उस थीटा एंड फाइव को रिड्यूस करना है किसी एक कंपोनेंट में, मीन्स वहाँ पे थीटा एंड फाइव की वैल्यू नहीं आनी चाहिए, इसलिए मैंने इसको इस फॉर्म में लिखा, जो कि क्या है, स्पेरिकल हार्मोनिक से कम्प्लीटली डिपेंड्स करता है थीटा एंड फाइव पे। तो यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे है मेरे पास है इतने वैल्यू है ना, ये वाली वैल्यू, अगर मैं इसकी वैल्यू निकालूंगी तो यहाँ पे कितना आ गया, माइनस का एच कट स्केयर आ गया। अब इस टर्म्स की प्लेस पे आप इसको पुट करो, ये था ना, इसके प्लेस पे ये वाले पुट करो, तो मीन्स मेरे पास कहीं पे अगर गलती हो जाए तो बता देना, वैसे आप कैसे बताओगे, यहाँ पे पुट करना ना, पुट कर दो इस पे, तो कितना आ गया मेरे पास, माइनस का एल स्केयर अपॉन में एच कट स्केयर आर स्केयर साइन आर थीटा फाइव, और प्लस का क्या आ जाएगा, ये वी आर साइन थीटा फाइव। ठीक है, आ गया। अब आप यहाँ पे लिखो क्या आएगा, ये भी यहाँ पे करते हो, अगली लाइन नेक्स्ट लाइन में देखो क्या आएगा, माइनस का एच कट स्केयर अपॉन में टू म्यू स्केयर, जो कि मैंने यहाँ से लिखा ना, ये वाला, और यहाँ से क्या आएगा, वन अपॉन में आर स्केयर कर्ल अपॉन में कर्ल आर, आर स्केयर कर्ल अपॉन में कर्ल आर, माइनस का एल स्केयर अपॉन में एच कट स्केयर आर स्केयर, और इसको दोनों के बाद लिखा मैंने साई आर थीटा एंड फाइव। ठीक है, प्लस का वी साई आर थीटा एंड फाइव विच इज इक्वल टू ई साई आर थीटा एंड फाइव। लिख लिया, मतलब इतने बड़ी इक्वेशंस थे, उसी इक्वेशंस को मैंने इतनी इक्वेशंस में इतनी टर्म्स में मैंने रिड्यूस कर लिया। अब आगे देखो कैसे करेंगे इसको, आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या करो, जो वेव फंक्शंस हैं उनको, उसको सेपरेट कर दो बोथ के साथ, जो ये साई आर थीटा था ना, मैंने इन दोनों के साथ कंबाइन करके लिखा, अब आप इन दोनों को सेपरेट करके लिखना, तो मैं इसी के लाइन में लिख देती हूँ, देखो कैसे, यहीं पे लिख देती हूँ मैं, देखो साई आर थीटा फाइव, और यहाँ पे क्या था मेरे पास, माइनस का एल स्केयर आर स्केयर एच कट स्केयर साई आर थीटा एंड फाइव। आ गया, आ गया। अब आप यहाँ पे देखो, ये क्या है, कम्प्लीटली रेडियल पार्ट है, इसमें यहाँ पे एल स्केयर आया, वो पोटेंशियल है, वो क्या है, एनर्जी है, और यहाँ पे क्या है, माइनस का एच कट स्केयर टू म्यू। आ गया, अब आप क्या करो, इस इक्वेशंस को हमने क्या लिखना है, एक्चुअली जो साई आर थीटा फाइव है, क्योंकि मुझे ओनली क्या चाहिए, रेडियल पार्ट चाहिए, तो मैं इस वेव फंक्शंस को किसके फॉर्म में लिखती हूँ, प्रोडक्ट, कैसे, रेडियल पार्ट्स के फॉर्म में, एन एल आर एंड स्पेरिकल हार्मोनिक्स के टर्म्स में, आर एन, ये जो क्या है आर है वो रेडियल पार्ट है, और यहाँ पे जो आएगा वाई एल एम, ये क्या है, स्पेरिकल हार्मोनिक्स है, जो कम्प्लीटली किस पे डिपेंड करता है, थीटा एंड फाइव पे। तो यहाँ पे जो साई के प्लेस पे मैं इस वाले पार्ट को लिखूंगी, जहाँ पे भी साई है, समझ गए। अब मैं देखो इसी टर्म्स में लिख देती हूँ, यहाँ पे लिखने के बाद दूसरी बात, जो भी मेरे पास ये है एल स्केयर है, अगर एल स्केयर पे अगर कोई भी साई ऑपरेट करती हूँ, तो वो क्या आइगन वैल्यू देता है मेरे पास, देखो ऐसे एल स्केयर साई, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग है मेरे पास जो आइगन वैल्यू आती है वो कितनी आती है, ये वाली वैल्यू। तो एल स्केयर के प्लेस पे मुझे इस वैल्यू को पुट करना है, पुट करो यहाँ पे, और मैं आगे लिखती हूँ, देखो कैसे, माइनस का एच कट स्केयर अपॉन में टू म्यू, माइनस का एच कट स्केयर अपॉन में क्या था यहाँ पे, टू म्यू, क्या आएगा यहाँ पे, म्यू, यहाँ पे म्यू था ना, तो यहाँ पे मैंने क्या स्केयर क्यों लिखा, तो यहाँ पे ये आएगा, समझ गए। अब यहाँ पे करो वन अपॉन में आर स्केयर
कर्ल अपॉन में कर्ल आर, आर स्क्वेयर कर्ल अपॉन में कर्ल आर, आर एन एल आर वाई एल एम थीटा एंड फाई, और इसकी वैल्यू लिख दो एल इन टू एल प्लस वन एच कट स्क्वेयर आर स्क्वेयर एच कट स्क्वेयर, और यहाँ पे इसकी प्लेस पे ये लिखो आर एन एल आर वाई एल एम थीटा फाई प्लस का पोटेंशियल एंड इज इक्वल टू ई, ये लिखा मैंने, ठीक है। जस्ट आपको ये लिखना, अब आगे देखो क्या करना है इसमें, इसको मैं रेज कर देती हूँ। अब आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे आर के रिस्पेक्ट में है तो इसका कोई काम नहीं है, इसको आप क्या करो बाहर निकाल लो। तो मैं इसको किसको वाई एल एम थीटा को मैं बाहर निकालती हूँ, तो मेरे पास कितना आ जाएगा, अब यहाँ पे क्या करना माइनस एच कट स्केयर अपॉन में टू म्यू से बी क्या करना है मल्टीप्लाई करना, राइट। तो हम उसको नेक्स्ट स्टेप में करेंगे, देखो कैसे। सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, ये है तो आप इसको क्या करती हूँ, मैं यहाँ से बाहर लेके आओ, तो यहाँ से कितना आ गया वाई एल एम, यहाँ पर आ गया वाई एल एम थीटा एंड फाई, मैंने बाहर निकाल लिया, इसके साथ है माइनस का साइन यहाँ पे है वहाँ पे, ठीक है। नीचे पोटेंशियल लिखना है और यहाँ पे क्योंकि यह इसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव था आर के, तो हमने ओनली रेडियल पार्ट रखना है यहाँ पे, ठीक है। अब क्या करो इससे, इसको डिवाइड करो किससे, जो भी मेरे पास था। अब यहाँ पे आपको डिवाइड करना है किससे, आर डिवाइड करना बाई आर एन, इससे डिवाइड करो। जब आप यहाँ से डिवाइड करोगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा मेरे पास, वाई एल एम है वो कैंसिल हो जाएगा इस वाले पार्ट से, और यहाँ से ओनली कितना बच गया माइनस का वन अपॉन में आर एन एल आर, और ये वाला टर्म्स एज इट इज एच कट स्केयर अपॉन में टू म्यू आ गया, आ गया। अब आगे लिखो कैसे लिखोगे इसको, फिर अब इसको ब्रैकेट में वन अपॉन में आर स्केयर कर्ल अपॉन में कर्ल आर, आर स्केयर कर्ल अपॉन में कर्ल आर, आर एन एल आर माइनस का, वहाँ से अगर मैं डिवाइड करूँगी तो वो कम्प्लीटली है कैंसिल हो जाएगा डिवाइड करने के बाद। तो डिवाइड करने के बाद एल इंटू एल प्लस वन एच कट स्केयर अपॉन में आर स्केयर एच कट स्केयर, यहाँ से देखो क्या आएगा, तो देखो कैसे करेंगे। अब यहाँ से अगर मैं इससे डिवाइड करूँगी तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, प्लस का वी आ जाएगा विच इज इक्वल टू ई आ जाएगा, आ गया। अब क्या करना था, अब यहाँ पे देखो एच कट स्केयर अपॉन में टू म्यू था ना, पहले तो इन दोनों टर्म्स के मैंने बाहर लिखा था ना, अगर मैं इसको अंदर करूँगी तो माइनस यहाँ पे है माइनस यहाँ पे है, तो कितना आ जाएगा प्लस आ गया। अब एच कट स्केयर यहाँ पे है, एच कट स्केयर यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास कैंसिल हो जाएगा, वैसे एच कट स्केयर इसे यहाँ से कैंसिल हो गया, अंदर करूँगी तो यहाँ से कितना आ जाएगा टू म्यू आ जाएगा। तो मेरे पास ये वाली टर्म्स आ गई, राइट। अब क्या करो, जो मेरे पास आर एन एल है ये माइनस तो यहाँ पे रहेगा ही रहेगा, अभी इसको क्या करो इससे मल्टीप्लाई कर दो। तो इससे अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगी तो क्या आएगा, यहाँ से तो कैंसिल हो जाएगा, वहाँ पे आर एन एल का पार्ट आ जाएगा। देखो मैं इसको यहाँ से अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगी, यहाँ से कैंसिल, यहाँ से आर एन एल आर आ जाएगा, पोटेंशियल में भी यहाँ पे कितना आ जाएगा आर एन एल आर विच इज इक्वल टू ई आर एन एल आर, आ गया ये वाला पार्ट आ गया। अब आपको यहाँ पे ये वाले जो टर्म्स है ना, इस टर्म्स को कैसे लिखते हैं ये आपको ओपन करना आना चाहिए। ये जो एक्चुअली है ये क्या है, इक्विवेलेंट ऑपरेटर है, और इसको मैं डायरेक्ट बताती हूँ डायरेक्ट है इसको कैसे लिखते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, देखो कैसे लिखते हैं इसको डायरेक्ट है। इसको जो वन अपॉन में आर स्क्वायर कर्ल अपॉन में कर्ल आर है, इसको जो डायरेक्ट लिखेंगे वो किसके फॉर्म में लिखेंगे आफ्टर दैट, देखो यहाँ पे एक मिनट रुको, यहाँ पे कितना गया था मेरे पास माइनस था ना, माइनस का एच कट स्क्वायर अपॉन में टू म्यू,
इसको अब आप है ये इक्विवेलेंट ऑपरेटर है, इसको जो डायरेक्ट लिखते हैं इसको मैं फिर कभी किसी वीडियो में बताऊंगी, और पहले भी मैंने बता रखा कैसे इसको ओपन करते हैं। तो यहाँ पे कितना आएगा, टू अपोन में आर कर्ल अपोन में कर्ल आर, और यहाँ से कितना आ जाएगा आर एन एल आर की प्लेस पे तो मैंने इसको लिख दिया, इसको इसके फॉर्म में इसको मैंने रिड्यूस करके यहाँ पे ये लिखा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा आर एन एल आर प्लस का ये वाले टर्म्स है एज इट इज एल इंटू एल प्लस वन एच कट स्केयर, और यहाँ पे क्या था एच कट स्केयर अपोन में एच कट स्केयर था, उससे कैंसिल होगा तो ये एच कट स्केयर यहाँ पे आएगा, तो एच कट स्केयर अपोन में टू म्यू आर स्केयर प्लस का वी आर, एंड यहाँ पे कितना आ गया मेरे पास आर एन एल आर विच इज इक्वल टू ई एनर्जी आर एन एल आर, राइट। अब दोबारा से इसको फिर दोबारा लिखना है इक्विवेलेंट ऑपरेटर के फॉर्म में, और इसको कैसे लिखते हैं दोबारा देखो, इसको हम ऐसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं माइनस का एच कट स्केयर, दिखाई दे रहा नहीं दिखाई दे रहा था, देखो मैं ऊपर लिखती हूँ, और यही से आपका क्वेश्चन आंसर भी आ जाएगा इसी लाइन में है, कैसे ये कम्प्लीटली रेडियल पार्ट की बन गई ना, हाँ देखो कैसे इसको भी रेज कर दो, अगर आगे क्वेश्चन पूछता तो तब लिखते हैं, लेकिन जो स्टेटमेंट थी ना स्टेटमेंट में स्टार्टिंग में ऐसा ही है, आप देखो अपने स्टेटमेंट देखो क्या था क्वेश्चन में, क्वेश्चन में यही तो दिया था डी टू आर अपोन में डी आर स्केयर प्लस का टू अपोन में आर, यही तो हमने इसको रिड्यूस नहीं करना, अब इसको दोबारा नहीं लिखेंगे, अब जस्ट मैं इसको डायरेक्ट है आंसर है वो कैसे लिखना है, देखो कैसे पूछा है इसमें ये था ना, अब इसको कैसे करेंगे यहाँ पे देखो माइनस का एच कट स्केयर अपोन में टू म्यू है, तो यहाँ पे क्या करो इसको इससे डिवाइड करो, और यहाँ पे कितना आ जाएगा मेरे पास डी टू आर अपोन में डी आर स्केयर प्लस का टू अपोन में आर डी अपोन में डी आर, जो कि बाप के देखो आंसर से यहाँ से कितना है आर एन एल आर, ठीक है। अच्छा इसको भी देखते हैं क्या करना है, इसका प्लस माइनस का ये इधर था ना, तो यहाँ से कितना आ जाएगा माइनस का टू म्यू अपोन में एच कट स्केयर, राइट। अब ये वाले जो इधर जो स्टेटमेंट है इसको एज इट इज लिखो, तो स्टेटमेंट में क्या था, हाँ ठीक है, अब यहाँ पे क्या था एल इंटू एल प्लस वन एच कट स्केयर अपोन में टू म्यू आर स्केयर प्लस का वी आर, एंड हेयर आर एन एल आर विच इज इक्वल टू, अब यहाँ पे लिखूँगी तो यहाँ माइनस का टू म्यू अपोन में एच कट स्केयर ई आर एन एल आर, ये लिख दिया एनर्जी में, समझ गए। अब एनर्जी को इधर उठा के लेके आऊँ, क्योंकि क्वेश्चंस में एनर्जी को है इस साइड लेके आया हुए है, तो अगर मैं इस साइड लेके आऊँगी ये माइनस था तो यहाँ पे कितना आ जाएगा ये प्लस, मैं इधर इसको इधर ही ले आती हूँ प्लस विच इज इक्वल टू जीरो डी टू आर अपोन में डी आर स्केयर प्लस का टू अपोन में आर डी अपोन में डी आर माइनस का, अब यहाँ पे है जो बाहर जो कॉन्स्टेंट था जो क्वेश्चन में देखो क्या था टू म्यू अपोन में एच कट स्केयर, तो टू म्यू अपोन में एच कट स्केयर वहाँ से, तो यहाँ से कितना आ गया, और क्या था क्वेश्चन में कैसे था ए लिखा हुआ था इसमें से और इसमें से मैंने टू म्यू अपोन में एच कट स्केयर कॉमन लिया, तो यहाँ से कितना आ गया प्लस का ए माइनस है, तो माइनस का मल्टीप्लाई है वो अंदर होगा, माइनस का वी आर लिखा माइनस यही लिखा था ना, हाँ माइनस का एल इंटू एल प्लस वन एच कट स्केयर ऑप्शन में था ये कौन सा फंक्शन, एंड यहाँ से कितना आया मेरे पास, अब और क्या लिखा है इसमें क्वेश्चन में ई माइनस का वी आर प्लस का आर आर, अच्छा यहाँ पे क्या लिखा आर एन एल आर विच इज इक्वल टू जीरो, मीन्स क्वेश्चन है वो इस फॉर्म में गिवन है, क्वेश्चन इसी फॉर्म में है ई है माइनस वी आर है प्लस में फंक्शन गिवन है, और हमें क्या बतानी थी एफ आर की वैल्यू बतानी थी, तो मेरे पास जो एफ आर की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है माइनस का एल इंटू एल प्लस वन एच कट स्केयर अपोन में टू म्यू आर स्केयर, ठीक है। ये हमारे पास ऑप्शन और जो फर्स्ट ऑप्शन है वो मैच होता है, तो इस क्वेश्चन को हमने ऐसे सोल्व करना है, समझ गए। तो ये क्वेश्चन था ऐसे था,
सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो. तो जो रिमेनिंग जो क्वेश्चन है वो हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में. ओके, थैंक यू.